खूबसूरत वादियों में बसा है माँ मरी माई का दरबार, जहाँ होती है भक्तों की हर मनोकामना पूरी। बिलासपुर जिला मुख्यालय से करीब 90 किलोमीटर दूर भनवाटन, जहाँ दूर दूर तक घने वृक्ष, नीला आसमान, बरबस की मनोरम छटा लोगों का मन मोह लेती है। ऐसी सुरम्य वादियों के बीच में मरही माई का मंदिर स्थित है। वहीं घने जंगल के बीच बिछाई गई रेल की पटरियाँ, अगर आप बिलासपुर से पेंड्रा ट्रेन में सफर करती हैं, तो आपको ट्रेन के दरवाजे खिड़कियों से हटने का अवसर यहाँ के खूबसूरत नज़ारे नहीं देंगे। करीब 100 साल पहले अंग्रेजों ने यहाँ रेलवे पटरियों को बिछाने की शुरुआत की थी। रेल के आवागमन के पीछे अंग्रेजों का उद्देश्य चाहे जो हो, पर इस रेलवे रूट को देखते ही अंग्रेजों का काम के प्रति समर्पण स्पष्ट हो जाता है। वहाँ पहाड़ को काट कर एक सुरंग बनाई गई है। सुरंग करीब 300 मीटर लंबी है। बीहड़ जंगल में बनी यह सुरंग नायाब है। इन सब के बीच में बसी है मरी माई, जिसकी महिमा अपरंपार है। जहाँ से गुजरने वाली ट्रेन की रफ्तार भी धीमी पड़ जाती है। जहाँ यात्री बिना दर्शन के पार नहीं करते हैं, क्योंकि मंदिर रेलवे ट्रैक के ठीक बगल में है। नवरात्रि में यहाँ श्रद्धालुओं की भीड़ देखते ही बनती है। जहाँ काफी दूर दूर से श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुँचते हैं, जहाँ श्रद्धालु नारियल बांधकर अपनी मुरादें मांगते हैं। जब से लागू किया गया है तब से बहुत प्रभाव पड़ा, क्योंकि नवरात्रि के समय हम लोग जोत भी नहीं जलाए, शासन से भी आदेश लेना पड़ा, फिर भी नहीं हुआ तो जोत नहीं जलाए। श्रद्धालु लोग का बहुत आना जाना कम हो गया था, बहुत प्रभाव पड़ा। सेवा प्रवास नहीं हो पा रहा था, पूजा पाठ ढंग से नहीं कर पा रहे थे। अभी कुछ दिन बाद नवरात्रि नवदुर्गे में कुछ पब्लिक को आना जाना भी हो रहा है और पूजा पाठ ढंग से कर रहे हैं, कुछ जोत भी जला के आशीर्वाद ले रहे हैं। पुलिस प्रशासन यहाँ कोई गश्त करती है? पुलिस प्रशासन कोई गश्त वगैरह नहीं करते हैं, सब ऐसे चल रहा है। सभी यहाँ के समिति लोग अपने जान समझ कर सही सेवा में लगा है, गश्त कोई नहीं कर रहा। बलि प्रथा चालू है या बंद? बलि प्रथा नवरात्रि में पूरे बंद है, आज 2-3 साल से बंद करा दिया गया है। बकरा लाते हैं, दाना ठोका के ले जाओ अपने गांव में या घर में, अपने बनाओ खाओ, यहाँ बलि प्रथम बंद किया गया है। आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम हीरा सिंह, हाँ यही का मैं ग्रामवासी, पैदाइशी है मेरा। यही आए थे तो उन लोग जैसे भी भजे हैं और जैसे भी माने उसको हम जानते नहीं हैं। पैदाइशी तो हमारा यही का है, मंदिरी का, भनवाटन का। बाकी जब से वो लोग बता गए कि बेटा ये मंदिर का सेवा करना, हमारे गांव का कुल देवी है, आके बबवास करे हैं, इनका सेवा करते रहने आपका सदा मनोकामना पूरा होगा, संकट विपद दूर होगा। तो हम भी माने, मरी माता को माने, उनका पूजा पाष्ट करे, तब आज 90-91 इनका मंदिर उन्दिर भी बनवाए साधारण। उसके बाद श्रद्धालु लोग आने लगे, दर्शन करने लगे, उनका मनोकामना पूरा हो रहा है। सभी इतने श्रद्धालु, आज हजारों श्रद्धालु आके दर्शन कर रहे हैं माता जी का। इतने बारे हमको जानकारी है, ज्यादा तो नहीं है। प्रभुनाथ आप सब सेवक में लगे हैं, अब आज पंडा बन के बैठे हैं, माता रानी के शरण में लगे हैं। वहीं इस मंदिर का निर्माण 1984 में इंदौर बिलासपुर नर्मदा एक्सप्रेस रेल हादसे के बाद किया गया था, जहां नर्मदा एक्सप्रेस और मालगाड़ी आपस में टकरा गई थी, जिसे सबसे बड़ा रेल हादसा भी कहा जाता है, जिसमें जाने कितनी जाने चली गई थी। यह रेल हादसा इतना बड़ा था कि आज भी ट्रेन के कुछ हिस्से जहां तहां ट्रैक के आसपास दिखलाई देते हैं। इस भयानक रेल हादसे के बाद रेलवे और वन विभाग ने यह मरी माता की मूर्ति को विराजित किया। मान्यता है कि मरी माता के आशीर्वाद से ही बिलासपुर कटनी रेल रूट की जंगल और पहाड़ी क्षेत्र में हादसाओं से रक्षा करती है। ये यहाँ के मंदिर को मान्यता है कि यहाँ भी जो भी क्या है, भक्त जन क्या है, अपनी मनोकामना मतलब मांगता है तो जरूर पूरा होता है। और उसके बाद जो मनोकामना जो कुछ रहता है तो फिर अपना यहाँ चढ़ाते हैं, जैसे कोई सोने का वो है, कोई जैसे जीव जो भी है। और यहाँ पंडित की जगह में क्या है, यहाँ के आदिवासी ही यहाँ के मुख्य पुजारी होते हैं, और यही है यहाँ की मान्यता है। सालों से आपका आना है मंदिर? मैं 3-4 बार आ चुका हूँ यहाँ, कम से कम 4-5 साल हो गए मेरे को आते हैं। मनोकामना पूरी हुई है? अब 1-2 तो हो गई है। हम 3-4 साल से आ रहे हैं। और यहाँ का मंदिर है जो जी, वो बहुत ही प्रसिद्ध होता चला जा रहा है, उसके बारे में क्या कहना है आपको? यहाँ की मान्यता ऐसी कि जो भी मांगते हैं पूरा होता है, और ये सही बात भी है, क्योंकि हमने जो मन्नत मानी है हमारी मन्नत पूरी हुई है। क्योंकि रेलवे इस समय ट्रेनें बंद है, इसके बाद लोगों का बहुत कम आना जाना हो रहा है, शायद कोरोना की वजह से। जी, कोरोना की वजह से इस बार बहुत कम लोग आए हैं, नहीं तो बहुत ज्यादा भीड़ होती थी यहाँ पर। कोरोना को भी मात दे गई भक्ति। बिल्कुल। और मनोकामना के बारे में क्या कहेंगे? यहाँ पर ऐसी जो मान्यता है वो बिल्कुल सच है कि जो भी आप मांगेंगे वो पूरा होता है।
वहीं यहाँ साल भर भक्तों की भीड़ लगी रहती है। कहते हैं यहाँ दिल से मांगी हर मन्नत जरूर पूरी होती है। माँ मरही माई कभी किसी को निराश नहीं करती। कोरोना काल में भी शारदीय नवरात्रि के सुअवसर पर लोगों की काफी भीड़ देखी जा रही है। बेलगहना से रवि राज रजक की रिपोर्ट।